10 माह में पुलिस ने दर्ज किए 180 NDPS एक्ट के मामले। रीवा में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। नशे के शौकीन युवक जहां चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वहीं हत्या जैसी घटनाओं को भी इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से गली गली, शहर से लेकर गांव तक नशीली कफ सिरप शराब के कारोबार फैले हुए हैं, ऐसा लगता है कि रीवा नशाखोरी के मामले में प्रदेश में अब्बल चल रहा है। हालांकि विगत कुछ दिनों से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटी मोटी कार्रवाइयां कर FIR कर आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, लेकिन बड़े तस्कर पुलिस की गिरफ्त से दूर ही हैं। आपको बता दें कि विगत 10 माह में बात करें तो पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि 180 NDPS एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आरोपियों के तार किन से जुड़े हुए हैं और किन किन संरक्षण में ये कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस नशा करने वाले और 10-20 CC कोरेक्स बेचने वालों को ही पकड़ पा रही है, जबकि बड़े तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। छुटपुट कार्रवाइयों को अगर छोड़ दिया जाए तो 10 महीने में ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिससे लगे कि पुलिस कोरेक्स तस्करों की कमर तोड़ने में सफल हुई है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने 10 माह में की गई कार्रवाई के संबंध में क्या जानकारी दी है। में सभी थानों द्वारा लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस क्रम में हम लोगों ने कोरेक्स पर प्रभावी कार्रवाई की है, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आती है। इस क्रम में हम लोगों ने 180 केसेस अभी तक जनवरी से लेके 2 नवंबर तक दर्ज हुए हैं। इसमें 249 एक्यूज्ड हैं और कोरेक्स बोतल पूरे सभी प्रकरणों में मिलाकर 50,000 के आसपास हुई है। और अभी हम लोग इनका प्रत्येक प्रकरण में जो आरोपी हैं उनका होमवर्क भी कर रहे हैं कि उनका कनेक्शन कहां पर स्थापित है और उनको सहयोग कौन करता है, गाड़ियां उनकी जो हैं उनकी भी पूरी कार्रवाई लगातार हमारी चल रही है।